हाई कोर्ट ने कल एक ऑर्डर पास किया था, बट अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं आया है दैट अ ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ द केस हैज बीन डन टू द सीबीआई. नंबर वन, अ मेजर डिमांड ऑफ अस इज दैट अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन. एंड वेस्ट बंगाल से यह भी खबर आ रहा है दैट जो एविडेंस हो रहा है वो टेम्पर किया जा रहा है, ये खबर हमारे पास आ रहा है. तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल जो हो रहा है घटना. इन सॉलिडरिटी विद ऑल द डॉक्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके साथ हम खड़े हैं ताकि एक फेयर ट्रायल हो पाए और जो हमारी फीमेल कलीग है जिनके साथ ये जघन्य घटना हुई है उनको जस्टिस मिल पाए. हमारा सेकेंड डिमांड ये है कि इसके बाद फ्यूचर में ऑल ओवर द कंट्री कहीं भी कोई भी अगर ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे इसके लिए सिक्योरिटी बूस्टअप किया जाए, हॉस्पिटल्स को मोर सिक्योर बनाया जाए, सीसीटीवी कैमरास लगवाया जाए. इसके लिए एक बिल हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट. ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वेरियस नाम से पहले भी टेबल किया गया है लेकिन कहीं पास नहीं हुआ है. इस बार हम लोग अड़े हैं कि हमारे कोई भी कलीग देश के किसी भी किनारे में ऐसा दुर्घटना की शिकार ना बने, इसके लिए हम अरे रहेंगे जब तक सेंटर से एक प्रॉपर टाइमलाइन नहीं मिल जाएगा कि एक सीपीए वो लोग पेश करने वाले हैं पार्लियामेंट में. जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं होता है और हमारा जनरल बॉडी जब तक हमें नहीं बोलता है कि हम लोग तब तक स्ट्राइक पे रहेंगे. कल जो मीटिंग हुआ था हमारे पास कोई खबर नहीं था कि स्ट्राइक कॉल ऑफ होने वाला है. हमारे पास ये खबर ऑनलाइन सोशल मीडिया से आया, हम लोग ने उनके ट्वीट्स देखे. इमीडिएटली हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं दिल्ली में सब लोग ने डिसाइड किया कि ये जो हुआ है ये नाइंसाफी हुआ है, बस कुछ लोग जाके डिसाइड करके आए, ऐसा नहीं चलेगा. इसके बाद जो भी डिसीजन होगा हेल्थ मिनिस्ट्री में जो भी मीटिंग होगा हमारा, वी विल कन्वे टू अवर जनरल बॉडी एंड जो जनरल बॉडी बोलेंगे हमें हम वही करेंगे. डॉक्टर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कानून बनाई जाए ताकि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो और हम लोग एक फ्री इन्वायरमेंट में, एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में काम कर सके. जो जन सेवा का जो भावना है, जो सेवा है हमारा, उसको एक सेवा की भावना से एकदम फ्रीली हम लोग उसको सर्व कर सके. मैम हमारा डिमांड्स में मांगे थे जैसे कि दर फर्स्ट डिमांड वॉज द सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस मैटर एंड सेकंड डिमांड वॉज द सस्पेंशन एंड इंक्वायरी ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज कंसर्न. सो कल हमें पता चला है कि द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सीबीआई विच दे आर गोइंग टू टेक अप ऑफिशियली बाई टूडे 10:30 मॉर्निंग. जो 2019 में बिल ड्राफ्ट किया गया था एंड देर वेर सम additions, omissions to it during 2022 during COVID and somehow later the bill was never passed in the parliament. So now our request to honorable health minister and Lok Sabha, everybody looking at it, see abhi dekhiye. So if we really look into the matter, it's not just matter of healthcare, it's not just matter of women, it's not separately matter of women and child development or healthcare or medical education or higher education. It includes everything. There is a gruesome murder and rape of a woman during her workplace. Where exactly you categorize it to? So everybody should come together and help in passing this CPA, which is our main concern today, and our strike is indefinite.